अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम 4D के सिलसिले में बायोलॉजी का टेस्ट नंबर 3 जो है पार्ट 1 का वो डिस्कस करेंगे, जिसमें चैप्टर 4 और 5 इंक्लूडेड थे। पेपर है एमसीक्यूज नंबर 1, इसका आंसर बीटा है। एमसीक्यूज नंबर 2, इसका आंसर चार्ली है। एमसीक्यूज नंबर 3, इसका आंसर बीटा है। एमसीक्यूज नंबर 4, इसका आंसर बीटा है। एमसीक्यूज नंबर 5, अल्फा आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 6, बीटा। 7 जो है उसका डेल्टा, और 8 जो है उसका बीटा आंसर है। तो ये तो थे एमसीक्यूज। अब आते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। बेटा, जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, इनमें अमूमन मार्किंग जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब हम बोर्ड में पेपर देते हैं तो हम बाद में सम टाइम नंबर कम आए तो चेक करते हैं, तो हम कहते हैं जी उसने एक एक नंबर दिया हुआ था एग्जामिनर ने। तो उसकी बेसिक लॉजिक्स ये होती है कि एग्जामिनर को जो मार्किंग की दी जाती है उसमें हर क्वेश्चन की नंबर ऑफ की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो वो पेपर उसके मुताबिक चेक करता है। जैसे लिखा हुआ है डिफाइन स्पीशी, तो अब इसमें एक नंबर जो है वो डेफिनेशन का होगा और एक नंबर ही एग्जाम्पल का होगा। कि हम डेफिनेशन लिख देते हैं कि ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्फ एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स बट और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप इन नेचर, और एग्जाम्पल लिखते नहीं है। तो इसलिए समटाइम जो है वो डेफिनेशन के ही दो नंबर दे देते हैं, लेकिन कभी कभी या अक्सर ऐसा होता है कि एक नंबर डेफिनेशन का होता है और एक नंबर जो है वो एग्जाम्पल का होता है। इसी तरह से डिस्क्राइब रूल ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, इसमें 4 पॉइंट कम से कम आपको लिखने चाहिए, क्योंकि हर पॉइंट का हाफ नंबर होता है। तो लिहाजा अगर 4 पॉइंट आपने लिखे हुए होंगे तो आपके नंबर्स जो हैं वो इस क्वेश्चन से कट नहीं सकते। तो उसमें आप लैटिन वर्ड का लिख सकते हैं, 2 पार्ट्स की हेडिंग दे सकते हैं, फिर फर्स्ट नेम की हेडिंग दे सकते हैं जो कि जीनस का नेम होता है, सेकेंड पार्ट या सेकंड नेम की हेडिंग दे सकते हैं जो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, और फिर इसी तरह से जो नेम है वो रेफर करता है करेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनिज्म या पर्सन जिसने उसको कलेक्ट किया हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑब्लिगेट इंट्रा सेलर पैरासाइट, व्हाट इज मेंट बाय इट। ये भी एक 1+1 यानी कि एक नंबर जो है वो हमें डेफिनेशन का मिलेगा, और इससे क्या मुराद है वो मिले, दूसरा नंबर मिलेगा। तो हमें पता है कि ये ऐसे पैरासाइट्स हैं जो आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर ग्रो नहीं कर सकते। दूसरा, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस विदाउट देयर होस्ट। तो सेकंड हेडिंग जो हमारी है रिप्रोडक्शन की बनेगी, जिसकी बेस पे हम कहेंगे कि ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं। और तीसरी जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल हेडिंग होगी वो होगी लैक ऑफ मेटाबॉलिक मशीनरी। आपको पता है इसमें राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, ना ही साइटोप्लाज्म होता है। तो लिहाजा ये खुद किसी चीज को भी सिंथेसिस करने की सलाहियत नहीं रखता, इसलिए ये अपने होस्ट के बगैर सर्वाइव नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल है, डायग्राम बनानी है और उसको लेबल करना है, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, मम्स और मिजल्स। अब यहाँ भी दो चीजें पूछी गई हैं। मम्स जो है उनके मतलब आपने बताना है कि ये पैरामक्सिलोसिस जो है उसमें है, ये इनवेल्प्ड लार्ज वायरस है, आरएनए वायरस है, और ये अक्रेंस इसकी क्या है कि ये डिजीज जो है वाइड स्प्रेड है, और 60% अम्यून जो अडल्ट होते हैं वो अम्यून होते हैं। इसी तरह से मिजल्स का आपने बताना है कि ये भी उसी वायरस है, लेबल लार्ज इनवेल्प वायरस है, अक्रेंस जो है ये भी चाइल्ड होल्ड की एक ज्यादा बीमारी है, जिसमें ऑलमोस्ट तमाम ह्यूमन पॉपुलेशन अडल्ट जो है वो भी ससेप्टिबल है, मीन उनको भी ये बीमारी हो सकती है। इसका जो विक्टिम है वो खुद ही अम्यून हो जाता है, यानी कि जिसको ये बीमारी लगती है वो ऑटो अम्यून हो जाता है। नेक्स्ट, F1 पार्टिकल फ्रॉम क्रिस्टीज। ये जो F1 पार्टिकल्स होते हैं ये क्रिस्टीज के ऊपर होते हैं। आपको पता है इनर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की वो इनफोल्डेड होती है और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, जिसको हम क्रिस्टीज कहते हैं मैट्रिक्स के अंदर। अब क्रिस्टीज जो हैं इनके ऊपर नोब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये जो नोब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम F1 पार्टिकल्स कहते हैं। ये जो F1 पार्टिकल्स हैं बेसिकली ये एनर्जी प्रोडक्शन के साथ तल्लुक रखते हैं, यानी कि इनमें एंजाइम्स होते हैं जो कि ATP को सिंथेसिस करने में मदद देते हैं।
तो यहाँ भी वन नंबर जो है वो पार्टिकल्स का लिखने का और वन नंबर जो है वो क्रिस्टी से उसका फर्क बताने का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप टू। ग्लाइकोजेनेसिस टाइप टू में पहले आप बताएंगे कि ये स्टोरेज डिजीज की टाइप है, फिर आप बताएंगे कि जिनमें ये बीमारी होती है उनमें वो एंजाइम अब्सेंट होता है जो कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और तीसरा फिर बताएंगे कि इसका इफेक्ट क्या होगा। तो इफेक्ट क्या होगा कि लिवर और मसल्स के सेल्स जो हैं वो फिल हो जाएंगे विद द ग्लाइकोजन। नेक्स्ट टू फंक्शंस लिखने हैं, उसमें वन प्लस वन नंबर होगा, एक नंबर एक फंक्शन का होगा, सेल सेक्रीशन के मुतालिक लिखें, ट्रांसपोर्टेशन के मुतालिक लिखें, मटीरियल को ट्रांसपोर्ट करती हैं, और फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स अगर आप लिखते हैं तो तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। थ्री फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अमूमन ये भी क्वेश्चन में टू पूछे जाते हैं, अगर दो फंक्शन आपने दे दिए हैं तो टू मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर उसने थ्री पूछे हैं तो इसका मतलब आपको कम से कम थ्री फंक्शन ज़रूर लिखने हैं, फोर लिखने तो अच्छी बात होती है ताकि कोई भी अगर नंबर माइनस ना हो सके आपका। मैकेनिकल सपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल है, मेटाबोलिज्म ऑफ लिपिड है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स जो है। टेंथ क्वेश्चन है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आपको पार्शली परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का बताना है कि वो मेम्ब्रेन जिसमें से कुछ मटेरियल्स इजीली क्रॉस हो जाते हैं, कुछ को ये स्टॉप कर लेती है, तो इसमें टू मार्क्स हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आपने करेक्ट डेफिनेशन लिख दी है और उसको एक्सप्लेन कर दिया है। देन लॉन्ग क्वेश्चन है कि डिस्कस लैटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। अब अगर इसमें नहीं बताया गया कि डायग्राम जो है उसकी ज़रूरत नहीं है तो फिर आपको डायग्राम बनानी है। मोस्टली क्वेश्चंस में मेंशन होता है कि स्केच बनाने की या डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि डायग्राम के नंबर होंगे, फिर अगर आप डायग्राम को छोड़ेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। अमूमन जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये चीज़ मेंशन होती है, जब एग्जामिनर की बनाता है मार्किंग की तो उसमें वो ये लिख देता है कि अकॉर्डिंग टू बुक लेवल, यानी कि जो बुक में जितना मटीरियल लिखा हुआ है अगर उतना मटीरियल बच्चे ने लिखा है तो उसको फुल क्रेडिट दें, यानी कि उसको पूरे मार्क्स दें। तो जिसमें आप हेडिंग्स में लिखेंगे तो आपके नंबर बन जाएंगे। अटैचमेंट टू बैक्टीरियल सेल वॉल हो जाएगा, अब्सॉर्प्शन और पेनिट्रेशन कैसे होती है, रेप्लिकेशन ऑफ फेज वायरसेस हो जाएगा, और उसके बाद लाइसिस का प्रोसेस क्या होता है और डायग्राम बना दें। दूसरा क्वेश्चन था कि हाउ प्रोकैरियोटिक सेल डिफर फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल। तो इसमें आपको ये वाला सवाल जो है ये हमेशा कंपैरिजन में लिखना होता है, और इसमें कम से कम आपको 5 to 6 डिफरेंस जो है वो लिखने चाहिए ताकि एग्जामिनर जो है वो नंबर ना काट सके। तो अमूमन आधा आधा नंबर होता है एक पॉइंट का, तो अमूमन इसमें भी यही होता है कि अकॉर्डिंग टू बुक अगर बच्चे ने लिखा हुआ है तो उसको फुल मार्क्स दे दिए जाएं। ऐसे क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट करने चाहिए। पेपर टू जो है यानी बी पेपर जो है इसमें एम सी क्यूज को देख लेते हैं। तो फर्स्ट एम सी क्यू का आंसर जो है वो डेल्टा है, सेकंड का चार्ली, थर्ड एमसीक्यूज का आंसर बीटा, फोर्थ एमसीक्यूज का आंसर जो है वो चार्ली, फिफ्थ का आंसर जो है वो बीटा है। ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन दिया गया है। फिलोजनी का मतलब होता है एवोल्यूशन, तो इसलिए एवोल्यूशनरी हिस्ट्री उसका आंसर आएगा। सिक्स जो है प्रोटीन है क्योंकि कैप्सोमर्स प्रोटीन से बने हुए होते हैं। सेवन्थ एमसीक्यूज जो है 25 मिनट है, और एट्थ एमसीक्यूज जो है वो बीटा उसका आंसर बनता है। अभी हमने मिजल्स और नॉम्स को डिस्कस भी किया है पहले पेपर के अंदर। सब्जेक्टिव टाइप में अगर हम आते हैं तो वंस अगेन उसी तरह से पहले क्वेश्चन के टू पार्ट्स हैं, एक जो हेपेटाइटिस बी लिखने का नंबर है और एक डेफिनेशन अगर हम लिखते हैं तो नंबर पूरा हो जाता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर है जो कॉज होती है वेरियस वायरसेस की मदद से या टॉक्सिक एजेंट्स और ड्रग्स की मदद से। पॉक्स वायरस के मतलब आपने लिखना है, तो पॉक्स वायरस जो है वो स्मॉल पॉक्स कॉज करता है, ये डीएनए इनवेलप वायरस होता है और ये पासुलेट्स बनाता है, यानी कि फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स बनती हैं, तो ये अगर आप लिखेंगे तो इसके नंबर आपको मिल जाएंगे। राइट द नेम ऑफ फाइव किंगडम्स लिखते हैं, तो फाइव किंगडम्स के नाम लिख दें, टू मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोक्रियोटी और यूक्रोट, ये टर्म्स हैं जो ई चैप्टर ने यूज की थी प्रोक्रियोट और यूक्रियोट के लिए, क्योंकि उसने कहा था क्लासिफिकेशन दो ही बेस के ऊपर है,
प्रोकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल है, और फिर उसी जबान में अपनी लैंग्वेज में उसके स्पेलिंग लिखे। वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरस को कहते हैं, ये भी डेफिनेशन लिखेंगे तो नंबर मिल जाएंगे। अब इसमें भी कंपैरिजन है मैक्रो और माइक्रो फिलामेंट्स का, तो वन मार्क्स जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स लिखने का होगा, वन मार्क्स जो है वो माइक्रो फिलामेंट्स, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आप लिखेंगे लॉन्ग है, अनब्रांच है, सिलेंडर है, फाइन ट्यूबुलर है, ये भी अगर आप चाहें तो दरमियान में लाइन लगा के इसको लिख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल जो प्रोटीन्स होती हैं ट्यूबुलिन उनसे बनी हुई होती हैं, और इनका फंक्शन आप बताएंगे कि स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में। माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं ये भी प्रोटीन के बने हैं, लेकिन एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स होती हैं, और ये शीट लाइक या बंडल लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और ये इंटरनल सेल मूवमेंट जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है जी, व्हाट इज राइट द रोल ऑफ वैक्यूल इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल में रोल लिखना है तो एक तो एक्सपेंशन ऑफ द प्लांट सेल जो है वो इसकी वजह से होता है, दूसरा जो है वैक्यूल जो है उसको टर्जिटी प्रोवाइड करता है, तीसरा जो है वो स्टोरेज ऑफ वाटर और अदर प्रोडक्ट्स जो होते हैं जो कि मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स होते हैं वो इसमें स्टोर होते हैं, फिर इसी तरह से कुछ में वैक्यूल जो है वो फूड स्टोर करता है और कुछ में वैक्यूल वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो भी स्टोर करता है, तो ये डिफरेंट फंक्शंस हैं जो इसके रोल्स में आता है। थैलाकॉइड और ग्रेना जो है, थैलाकॉइड आपको पता है क्लोरोप्लास्ट में मेम्ब्रेन्स होती हैं जो फ्लैटन वेसिकल्स हैं, और ये जब सैक्स आपस में स्टैक्स बना देते हैं, यानी कि ये वेसिकल्स जो हैं ये आपस में एक दूसरे के ऊपर पाइल अप होती हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम ग्रेना कहते हैं, और जब ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन 50 या 50 से ज्यादा हो तो फिर वो ग्रेना, और ग्रेना जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये लाइट को ट्रैप करता है और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि दैट इज द प्लेस वेयर ATP एंड NADPH जो है उसकी सिंथेसिस होती है। फिर उसके बाद क्लोरोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट, पहला तो आप बताएंगे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, क्लोरोफिल इसमें पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और ये फोटोसिंथेसिस करता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है। लीकोप्लास्ट जो है वो आप बताएंगे कलरलेस हैं, प्लास्टर्स हैं जो कि अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं, यानी कि रूट्स में होते हैं या अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर होते हैं, और फिर ये शुगर जो है इनटू स्टार्च को कन्वर्ट करते हैं, फिर उनको स्टोर हाउस के तौर पे भी हम लेते हैं, ट्रायंगुलर ट्यूबुलर या अदर शेप्स के ये हो सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन फिर आ गया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, तो यहाँ पे टू डिफरेंस पूछे गए हैं, तो टू डिफरेंस जो है वो आप मिनिमम आप 3 लिखें ताकि जो मार्जिन है वो एग्जामिनर के हाथ में ना जाए। लॉन्ग क्वेश्चन था, राइट नोट ऑन लाइसोसोम, तो लाइसोसोम की डेफिनेशन बताएंगे, डिस्कवरी बताएंगे, स्ट्रक्चर बताएंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम है, सेकेंडरी लाइसोसोम है, ऑटोफेगोसोम बताएंगे, और फिर उसके बाद फंक्शंस की डिटेल दे देंगे, तो ये भी अकॉर्डिंग टू बुक अगर आपने पूरा लिखा है तो इसमें फुल मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन हेडिंग्स अगर आप देंगे तो ज़्यादा होगा, और इसमें भी डायग्राम का नंबर ज़रूर होगा। फाइव किंगडम सिस्टम जो है, इसमें आपने फाइव किंगडम्स जो हैं उनकी पहले बताना है कि उनकी डिवीजन लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मेथड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस के ऊपर हुए, फाइव किंगडम्स के नाम और फिर उनकी डिस्क्रिप्शन देनी है, मॉडिफिकेशन जो थी वो फिर उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स और सिम्बियोटिक ओरिजिन वगैरह को मद्देनजर रखा गया, और मार्गुलस शॉर्ट जो थी उन्होंने ये क्लासिफिकेशन की थी, फिर उसने दो मोनिरा और प्रोटेस्टा जो है उसको प्रोटोटेस्टा और प्रोकैरियोटिका नाम दिया था, बाकी रिमेन सिमिलर था। तो ये था हमारा आज का दोनों टेस्ट की डिस्कशन, उम्मीद है आप नेक्स्ट टाइम जो है जो बातें मैंने आपको की हैं उन बातों को आप जरूर मद्देनजर रखेंगे अपने पेपर को सॉल्व करते हुए, तो अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ जो है वो नसीब करें।